ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 27 और 28 जुलाई को सदी का सबसे बड़ा जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह ग्रहण किस समय काल से लेके किस समय काल तक रहेगा और उसका असर आप लोगों की जिंदगी पर क्या क्या पड़ सकता है और आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है चंद्र ग्रहण के समय। यह ग्रहण करीब 1 घंटा 43 मिनट तक का रहेगा, जो कि इस सदी यानी कि सन 2001 से सन 2100 तक का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार इस ग्रहण को देश में सभी हिस्सों में देखा जा सकेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा करीब 4 घंटे के लिए धरती की छाया में आ जाएगा। इस दौरान आम दिनों की अपेक्षा चंद्रमा थोड़ा छोटा और लाल नजर आएगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 27 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात 11:54 से शुरू होगी। इस दौरान चांद पर धरती की छाया पड़ेगी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जो 28 जुलाई की रात करीब 1 बजे तक यह छाया पूरे चांद को ढक लेगी। इस क्रिया के बाद चांद धीरे धीरे धरती की छाया के बाहर आने लगेगा और 28 जुलाई की रात 3:49 पर चांद धरती की छाया से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। 27-28 जुलाई की रात के ही मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होगा, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है, ऐसे में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में आ जाते हैं, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा साथ साथ होते हैं, इनमें करीब 1 सप्ताह का अंतर होता है। इसे हम सुपर ब्लड मून भी कहते हैं। इस खगोलीय घटना में इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून का नाम दिया गया है। यह चंद्रमा के लाल रंग दिखाई देने की वजह से होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब धरती की छाया में रहता है तो इसकी आभा लाल हो जाती है, जिसे ब्लड मून यानी लाल चांद कहा जाता है। ऐसे में उस समय होता है जब चांद पूरी तरह से धरती की छाया में ढक जाता है। ऐसे में भी सूरज की लाल किरणें बिखर कर चंद्रमा तक जाती हैं। आपको चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना है, खासकर कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वह इस समय काल में बिल्कुल भी ना सोएं और ना ही बाहर जाके चंद्रमा के दर्शन करें। साथ ही इस समय में पूजा पाठ वर्जित होता है, हालांकि आप लोग मंत्रों का मन ही मन जाप कर सकते हैं। इस समय में भोजन करना, सोना या सुई चलाना या कोई नोकीली चीज का उपयोग करना वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। हमने और भी वीडियो बनाए हैं चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में आप लोग हमारे और वीडियो देखकर भी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।